प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो थे उस समय प्रधानमंत्री थे, और ये तस्वीरें उस समय की है। सोनिया गांधी जो यूपीए की चेयरपर्सन होती थी, और ये तस्वीरें वो इशारा करती थी कि वो प्रधानमंत्री न होते हुए भी सदन को कैसे संचालित करती थी, अपने सांसदों को कैसे आवाज उठाने के लिए कहती थी, सदन में किस तरह का व्यवहार करने के लिए बोलती थी, कैसे आकर विपक्ष के नेताओं के साथ, उस समय विपक्ष में बीजेपी थी, उनके साथ कैसे आकर उनके साथ आर्गुमेंट करना है, कैसे चर्चा करना है, उसको वो गाइड करती थी। इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री मोदी आज भी यह आरोप लगा रहे थे, आज भी ये कटाक्ष कह रहे थे कि कैसे मनमोहन सिंह की सरकार जो थी या यूपीए की जो सरकार थी वो रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी, उसकी रिमोट जो है वो किसके हाथ में थी। और वो एक तस्वीरें लगभग कुछ वैसे ही तस्वीरें बयान कर रही हैं कि कैसे सोनिया गांधी सदन में भी नियंत्रित करती थी सांसदों को, सरकार उन्हीं की थी, सांसद भी उन्हीं के थे, मेजोरिटी उनके पास थी, लेकिन जो चाबी सी सत्ता की वो सोनिया गांधी के पास थी, और सोनिया गांधी ही दिशा निर्देशित करती रहती थी कि किस संसद का क्या काम करना है, कौन सांसद कब कर क्या क्या करेगा, अगर विपक्ष का कोई नेता बोल रहा है तो कैसे उसका विरोध जताना है। और ठीक वैसे ही आज भी देखने को मिल रहा है कि जब प्रधानमंत्री ने आज राज्यसभा में बोला तो विपक्ष ने पूरा उनका विरोध करते हुए बायकॉट कर दिया। कल जब लोकसभा में बोल रहे थे प्रधानमंत्री, तब भी विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा, शोर शराबा करता रहा, और प्रधानमंत्री को ठीक से बोलने तक नहीं दे रहे थे। प्रधानमंत्री को बीच बीच में कई बार रुकना पड़ा, कई बार सभापति को इंटरवीन करना पड़ा, कई बार जो है प्रधानमंत्री ने भी रुक कर सदन के व्यवहार पे खेद जताया। लेकिन देखिए जिस तरह से ये संचालित हो रहा है, सीधा सीधा बीजेपी और उसके नेताओं का, चाहे शहनाज पूना वाले हो चाहे कोई और भी हो, सीधा सीधा वो यही आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी या कैसे जो है वो रिमोट से चलती है। अभी रिमोट की चाबी राहुल गांधी के पास है, कुछ साल पहले वो चाबी जो था वो रिमोट जो था वो सोनिया गांधी के पास था, और